पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के विधानसभा चुनावों को कम समय रह गया। सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कैबिनेट मीटिंग की गई उसमें कई अहम फैसले लिए गए, मीडिया के लिए भी फैसला लिया गया। और हमारे साथ विशंबर वाल्मीकि हैं, हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री हैं। विशंबर जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। थैंक यू। जिस प्रकार से आज कैबिनेट मीटिंग में मीडिया के लिए भी दो विशेष एजेंडों पर फैसला लिया गया, जो डिमांड भी थी पत्रकारों की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज एक बहुत बड़ी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कैबिनेट में एक फैसला हुआ, एक अच्छी जो सौगात दी है, इसके लिए मैं सभी पत्रकार साथियों को जो है मैं बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये करता हूँ अपनी तरफ से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, सरकार की बात जनता तक पहुंचाते हैं। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के पिछले दिनों कार्यक्रम में आपने भी कहा था और उस चीज़ को सरकार ने पूरा भी किया। बिल्कुल, हम गए थे पिछले दिनों, यहाँ पंचकुला में कार्यक्रम था मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का, और उसमें पूरी एसोसिएशन ने ये बात भी रखी थी, स्पीकर सर भी उसमें थे, हम भी थे। तो वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगता है पूरी कर दी है, और एक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार एक ऐसी जो कि सबको साथ लेकर चल रही है, जिसमें पत्रकारों का भी विशेष तौर पर उन्होंने ख्याल रख रही है। और आज ये जो पेंशन की घोषणा की है तो वो एक अच्छी बड़ी सौगात है पत्रकार बंधुओं के लिए, जो है 60 साल के बाद उनकी पेंशन का परिवारों को उन्होंने प्रावधान किया है। तो इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, और मैं पत्रकार साथियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी भी सराहना की गई कि एक मुद्दे के ऊपर आपने भी ध्यान आकर्षित किया और उस मुद्दे को अब जो है अच्छे तरीके से सरकार उठाने जा रही है। हाँ, देखिए माननीय, पिछले दिनों 1 अगस्त को जो फैसला आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, वो DSC समाज के हित में जो फैसला आया है, तो मैंने अपनी बात रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि हम भी इसमें जो क्या कर रहे हैं, तो इसको लागू करें। तो एक प्रकार से अच्छा मैसेज इसका प्रदेश में जाने वाला है, और जो DSC समाज के लोग हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा जिस कहा जा रहा है राज्यसभा को लेकर, जो विनेश फोगाट है उसको लेकर किया, उनके पास संख्या बल नहीं है, नहीं तो वो उन्हें राज्यसभा में जाने के लिए अनुमोदित करते। देखिए, चंद्रशेखर धरनी जी, इस राज्यसभा में भेजने का अधिकार सभी पार्टियों का है, सभी का है, वो जिसका बहुमत होता है राज्यसभा में वही जाता है। और मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पता नहीं हो किसको भेज दे किसको ना भेजे, ये तो उसके ऊपर ही है। लेकिन मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा, हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस जो जनता है हरियाणा प्रदेश की न्यायप्रिय जनता है, उनके आशीर्वाद से बनाने जा रहे हैं। उन्होंने एक डिमांड हुड्डा साहब ने और की है कि फोगाट को जो गोल्ड मेडल वाले विजेता खिलाड़ियों को फैसिलिटीज मिलती हैं, इनाम मिलते हैं, वो सारे मिलने चाहिए, उससे आप कितना सहमत है या असहमत है? देखिए, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ हैं, जो भी उनको सुविधा मिलती है वो देते हैं, केंद्र से सारी बातें पक्ष में हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो अपनी राजनीति गोटियाँ फिट करने में लगे हैं, लेकिन ये जनता जानती है उसकी गोटियाँ फिट होने नहीं देंगे। प्रदेश में हरियाणा में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं विशंबर वाल्मीकि, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। कैबिनेट मीटिंग के बाद कई अहम इश्यूज़ पर इन्होंने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।